तो वहीं एटा जनपद के जलेसर तहसील में तैनात एक भ्रष्ट लेखपाल आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर 500 रुपए रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो जलेसर तहसील के लेखपाल के ऑफिस को बताया जा रहा है और वीडियो में रिकॉर्ड हुए लेखपाल का नाम राजकुमार बघेल है, जिन्होंने बड़ी आसानी से वृद्ध महिला जो कि वृद्ध अवस्था पेंशन बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहती थी उससे 500 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर दी। वहीं जब बुजुर्ग महिला से बात करना चाहा गया तो उसने नाती ने बताया कि दादी की पेंशन बनवानी थी, इसलिए आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र के माध्यम से किया गया था, लेकिन जब आवेदन पर ऑनलाइन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम दादी को लेकर तहसील पहुंचे और काफ़ी देर तक खड़े रहे, फिर बातचीत शुरू की, कुछ पैसे हमने देने के प्रयास किए पर लेखपाल ने मना कर दिया, बोला 500 दो, मैंने 500 दे दिए और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिलहाल वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है और जाँच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। वीडियो वायरल हुआ है, मेरे सामने भी आया है, उसमें हमारे यहाँ चकबंदी लेखपाल हैं राजकुमार, वो 500 रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की जांच कराई जा रही है। वीडियो के संबंध में कोई शिकायती प्रार्थना पत्र ऑफिस में तो प्राप्त नहीं किया गया है, लेकिन एक शिकायती पत्र वीडियो के साथ वायरल हो रहा है, उसके भी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद में सम्यक कार्रवाई की। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंद कुमार, बराबर लेखपालों के ये ऐसे वीडियो वाते रहते हैं जिसमें वो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि लेखपाल तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। योगी आदित्यनाथ की सरकार और जैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है उनकी सभी बनी हुई है, उसके देखते हुए ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को जो है एंटी करप्शन टीम और तमाम टीमें जो है लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी तरह की कार्रवाई आपको वैसा में देखने को मिली है जिसमें लेखपाल जो है 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि पूरा मामला उप जिलाधिकारी जलेसर के संज्ञान में आया और उन्होंने तत्काल जो है जाँच सेटअप कर दी थी। जी नंद कुमार, क्या कहना है, क्या इस पे अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है तो जाहिर सी बात है पुलिस तक भी ये बात पहुंची ही होगी। देखिए, जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तत्काल जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और SDM जलेसर हैं बिपिन कुमार मोरल, उन्होंने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद इस वीडियो की जांच कराई जा रही है। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वीडियो संज्ञान में आया है, हालांकि कोई शिकायती पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, बावजूद इसके वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच कराई जा रही है। जांच में जैसे ही तथ्य सामने आएंगे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी नंद कुमार, क्या रिश्वत लेने के बाद जो आय प्रमाण पत्र बनवाने गए थे पीड़ित, उनका आय प्रमाण पत्र बना या उन्हें वैसे ही वापस लौटा दिया गया? देखिए, जिस तरीके से हमने कल बात की है उनके जो उनका जो नाती है रवि, उसने बताया कि भैया हमने जो है जन सेवा केंद्र से आवेदन किया था आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दादी की वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए, तो जैसे ही पैसे दे दिए हैं रिपोर्ट जो है लेखपाल द्वारा लगा दी गई और तहसीलदार का जो पोर्टल होता है उस पर आय प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्या दिखाई दे रही थी। जी नंद कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद में लोनी थाना पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल पर सवार एक गौकश अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार गौकश अपराधी के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति निठौरा से लोनी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब इसे रोकने के लिए संकेत दिया जाता है तो ये व्यक्ति रुकता नहीं, अपनी बाइक मुड़ाकर भागने का प्रयास करता है। पुलिस टीम द्वारा संदेह के आधार पर इसका पीछा किया जाता है तो ये व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर खेत की तरफ भागता है, तब पुलिस टीम पर लौटकर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा सिखाए गए तरीकों से अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें इस व्यक्ति के बाएँ पैर में गोली लगती है। पुलिस टीम द्वारा जब से पूछताछ किया जाता है तो इसने नाम शरीफ शनाब पल्लू निवासी बबलू गार्डन निठौरा रोड थाना लोनी क्षेत्र बताया। यह व्यक्ति मुकदमा अपराध संख्या 527/24 में वांछित चल रहा था। यह घटना 29/30
सितंबर 2024 को हुई थी। इसमें गोकशी के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस व्यक्ति के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली का खोखा बरामद हुआ है। इसके पास से एक वाहन भी बरामद हुआ है। इस व्यक्ति को उपचार हेतु सीसी लोनी भेजा जा रहा है। इसके आपराधिक इतिहास थाने संबंध में जानकारी की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ पूरा मामला है? जितने गौकश अपराधी पकड़े जा रहे हैं, एक मुहिम चलाई जा रही है पुलिस के द्वारा, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? इसमें बता दूं कि जैसे ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, इसके तहत पुलिस कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन इसलिए चला रही है कहीं ना कहीं अपराध में कमी आए। देखने वाली बात यह है कि इतने लोगों के साथ मुठभेड़ होने के बावजूद अपराधी के दिलों में भय नहीं है। एक क्या कारण हो सकता है कि पुलिस की कहीं कमी लग रही हो, या फिर कहीं ना कहीं इसका पुलिस बदमाशों का मनोबल बढ़ रहा है, क्या है इसमें कुछ समझ से बाहर है? या फिर बदमाशों के हौसले कैसे बुलंद है जबकि रोज पैरों में गोली लगाई जा रही है पुलिस द्वारा? जी अंकित, क्या एक अपराधी पकड़ाया है या अभी जो पूरा सरगना बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ये गौकश अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये कोई गैंग है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है और पुलिस उसी की गिरफ्त करने की कोशिश कर रहा है? जी मैं बता दूं, सूत्रों द्वारा बताया जा रहा था कि इसमें एक काफी बड़ा सरगना है जिसमें काफी लोग जेल जा चुके हैं, जिसके तकरीबन कुछ लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है और कुछ लोग खुद ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं कहीं ना कहीं अभी काफी आरोपी बाकी हैं जिनके साथ अभी जिनको गिरफ्तारी करने बाकी हैं, और देखते हैं आगे पुलिस इसमें क्या मुहिम चलाती है और किस तरीके से अपराधी को गिरफ्तार करती है। जी अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।